दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि अभी तक किसी YouTube चैनल ने आपको नहीं बताया है। हाँ, आप जानते हैं कि गुड न्यूज है कि हमारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, पिटीशन फाइल हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे YouTube चैनल लगे हुए हैं, कोई कह रहा है हमने करवाया, कोई कह रहा है हमने करवाया। अरे, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है, लक्ष्य ये होना चाहिए, हम सबको मिलकर एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें NIS वाले बच्चों को प्रमोट करवाना है, 10वीं 12वीं वाले बच्चों को प्रमोट करवाना है, जैसे CBSE के बच्चे प्रमोट हुए हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातों को शेयर करूंगा जो बिल्कुल जमीनी हकीकत है, यानी जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे जो बातें आपको समझनी चाहिए और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। मुझे एक बात बताओ, क्या हमें सिर्फ एक पिटीशन के भरोसे बैठना चाहिए? हाँ ठीक है, चलो पिटीशन है, पॉजिटिव सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ एक पिटीशन के भरोसे बैठना चाहिए या हमें और भी अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा देना चाहिए जिससे कि 100% जो रिजल्ट आए वो हमेशा हमारे हक में हो? इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, कोई हैशटैग चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे आने की जरूरत नहीं है। देखो, हमारा जो मामला है वो स्पेशली कुछ जो है वो लीगल मामला है, तो जो लीगल इशू होता है उसके करने के क्या तरीके, मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। उसका तरीका है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऐसे लोगों के साथ हमें कॉन्टैक्ट करने चाहिए जो कि हमारे एरिया में है, हमारे विधायक और हमारे मंत्री है। अब कुछ बोलेंगे विधायक मंत्री से कॉन्टैक्ट करने से क्या होता है, मुझे एक बात बताओ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, धारा 370 याद होगा, ये मैंने मैप बनाया है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे ये अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये पहले क्या कहलाता था, ये पूरा एरिया कहलाता था जम्मू एंड कश्मीर। आप मानते हैं याद होगा, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, इतने याददाश्त तो कमजोर नहीं है। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है आज की डेट में क्या है, आज की डेट में ये पूरा हिस्सा लद्दाख बन चुका है और जम्मू कश्मीर का हिस्सा छोटा हो चुका है जो कि पहले पूरा जम्मू कश्मीर था। कैसे हुआ ये? हुआ धारा 370 को हटाने से। मुझे एक बात बताओ, अगर इस पे कोर्ट जो है यहाँ पे हम कोर्ट में जाते और केस इसको चला देते बिल्कुल वहीं पे, तो इसमें क्या आपको लगता है जो रिजल्ट जिस तरीके से किया गया है, इस तरीके से इतने जल्दी ये जो इसका डिसीजन हो पाता? एक बात आप सोचो, कमेंट में बताना, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों से आप सहमत हो क्या, हो क्या आपको लगता है? तो इसके लिए क्या रास्ता निकाला गया था? इसके लिए रास्ता यही निकला था जो मैं हर एक वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो हमारे अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में जो है, यानी कि हमारे विधायक हमारे मंत्री वो हमारी बातों को लेके आगे पहुंचाएंगे, विधानसभा में पहुंचाएंगे और संसद तक पहुंचाएंगे, इस पे डिस्कस होना चाहिए। कोई आज तक ये बात क्यों नहीं करता कि पार्लियामेंट के अंदर भी डिस्कस होना चाहिए कि इस मुद्दे को लेके, जब CBSE को भी आपने बनाया है, आपने NIS को भी बनाया है, एक देश है, एक देश के अंदर सभी लोगों के लिए जब एक कानून है तो इस फिर बोर्ड के अंदर बोर्ड के बच्चों में क्यों भेदभाव हो रही है? तो इन चीजों पे डिस्कस नहीं होना चाहिए क्या? ये मुद्दा संसद नहीं पहुंचना चाहिए क्या? वहां पर जाकर डिस्कस नहीं होना चाहिए कि जो इस साल हुआ है अब आगे से ऐसा चीजें ना हो? इन बातों को गौर करना बहुत जरूरी है आपके लिए, इन बातों को आप डिस्कस कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। आप सोचिए जरा एक बार, जैसे 370 धारा को संसद में लाने के बाद, वहां पे अमेंडमेंट करने के बाद, उस राष्ट्रपति के मतों के द्वारा यानी उनकी सहमति के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया, तो जिसके परिणाम स्वरूप आज जो है जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर वाला जो मुद्दा था, क्या वो मुद्दा इस मुद्दे से, NIS के मुद्दे से छोटा था? नहीं, वो तो और बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़े लेवल पे था जब उस मुद्दे को संसद के थ्रू उसको क्लियर किया गया। क्या NIS का मुद्दा नहीं निपटाया जा सकता है? मैं चाहता हूँ, मेरा मकसद है कि आने वाले सालों में फिर से कभी कुछ ऐसा ना हो, काम ऐसा करे, ऐसा ठोस काम करे, क्यों ना कुछ अमेंडमेंट करवा दिया जाए पार्लियामेंट के थ्रू कि जो जितने बोर्ड है, जब जो बोर्ड बनाई गई है सभी बोर्डों की वैल्यू एक जैसी और एक जैसी रहनी चाहिए, हमेशा भी रहनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी क्या होता है? क्या इसके लिए जरूरी है हैशटैग चलाओ? क्या इसके लिए जरूरी है वहां पे आपका इंस्टाग्राम पे फॉलो करो? या इसके लिए जरूरी है इन बातों को हम अपने जो हमारे विधायक है मंत्री है इनकी मदद से इसको संसद तक पहुंचाए और संसद में यह आवाज गूंजनी चाहिए, इस पे विचार विमर्श होना चाहिए और क्यों ना इस पे एक लॉ पास होना चाहिए, एक नया अमेंडमेंट आना चाहिए कि जितने बोर्ड है सब एक जैसे हैं।
आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है, क्या मेरा साथ देना चाहते हैं? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बंदे जो हमारे बच्चे हैं वो इन चीजों को समझे कि हमें इन चीजों पे भी फोकस करना चाहिए जो जमीनी बातें हैं और जिसका इफेक्ट ऐसा होगा जो हमेशा के लिए रहेगा, पूरा ही बदल जाएगा। इस तरह की भेदभाव नहीं रहेगी। जब देश एक है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो यहाँ पे कानून भी एक होना चाहिए, वो हर जगह एक होना चाहिए, केवल इलेक्शन के टाइम पे नहीं, एजुकेशन में भी एक होना चाहिए। सुधार करने की जरूरत है हमें। तो मैं आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आप अपने एरिया के विधायक से कॉन्टेक्ट कीजिए, मंत्री से कॉन्टेक्ट कीजिए, कोरोना वायरस को देखते हुए सरकार द्वारा बताए गए सभी नियमों को अपनाते हुए मास्क लगा के सोशल डिस्टेंसिंग बना के उनके साथ प्रेशर कीजिए। तो ये 370 वाले बातें आप समझ गए। फिर से एक बात बताता हूँ, अगर पूरे देश के अंदर इस तरीके से विधायक मंत्री इन चीजों पे हर एक विधानसभा में बातें चलने लग जाए, संसद में चलने लग जाए, तो आप बताइए कितनी उबाल आएगी इन चीजों पे। आप मानते हैं पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए? मैं कहता हूँ पूरे देश का एजुकेशन सिस्टम एक होना चाहिए। और क्योंकि कोई कहीं से भी पढ़ाई कर रहा हो, ये भेदभाव वाली चीज है, खत्म करनी है हमें। तो खत्म करने का तरीका तो यही है कि कोई एक नया रूल लाए या फिर अमेंडमेंट करवाने की जरूरत है हमें। बातें बहुत सोचने वाली है, समझने वाली है। आप मेरी बातों से सहमत है? वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, देश के कोने कोने तक इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि इस तरह की बातें पता नहीं क्यों बाकी यूट्यूबर तो करते ही नहीं है, और या फिर उन्हें क्यों नहीं करना, वो खुद जाने इस चीजों को। मैं चाहता हूं एक अमेंडमेंट आओ जिसके बाद इस तरह की भेदभाव हमेशा के लिए खत्म हो जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों से सहमत हैं, और आप जरूर बताएं आप किस एरिया में रहते हैं ताकि हमें पता चले किस एरिया के बच्चे अपने किस विधायक से मिलने जा रहे हैं, ये भी हमें आप कमेंट में जरूर बताएं। केवल पिटीशन के भरोसे ना बैठे, वैसे काफी उम्मीद है, रिजल्ट जो है पॉजिटिव ही होने की है, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूं कि फिर से कोई भेदभाव ना हो, इस कहानी को, इस भेदभाव को हमेशा से खत्म करने के लिए। इसी तरीके से कुछ बेहतर जानकारी के लिए जो आपकी सोच को बदले, आपको एक नई दिशा दिखाए, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और शेयर तो इस वीडियो को जरूर करना है, आपको सभी को करना है, देश के हर एक बच्चे को शेयर करना है, जिससे उनको जानकारी मिलेगी और वो इस मूवमेंट में शामिल हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।